बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दो मरला ब्रांड न्यू सिंगल स्टोरी घर का विजिट करवाएंगे जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूज़, ये घर हमारे उन क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जिनका बजट 50 लाख से कम है और वो अपना घर परचेज़ करना चाहते हैं। और हमारा ये वीडियो अपलोड करने का मकसद भी उन्हीं क्लाइंट्स के लिए ही है जिनका बजट 50 लाख से कम है और वो चाहते हैं कि वो अपना घर ले लें। और चूँकि आजकल 50 लाख में जो है वो किसी भी बेहतर सोसाइटी में आपको 5 मरले का प्लॉट भी जो है वो नहीं मिलता, तो ये 2 मरला से थोड़ी सी ज़्यादा जगह, ये घर उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। सिंगल स्टोरी ये घर है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए कि बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो विजिट स्टार्ट करते हैं। व्यूज़ ये इसका कारपोच है। कारपोच में जो है वो गाड़ी पार्क तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो बाइक को पार्क कर सकते हैं। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है और ये इसके ड्राइंग रूम, या आप अगर बेडरूम भी यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये स्टेज जो है ये छत पर जाने के लिए दी गई हैं। तो हम आपको पहले इसका ये रूम दिखा देते हैं, आप डोर का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पे मार्बल की गई है मैचिंग स्क्वाटिंग के साथ, और आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और इसके बाद ये इसका बाथरूम, इसको अगर आप एज ए ड्राइंग रूम यूज़ करना चाहें तो आप इसको ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये इस घर की मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस में ये आप इसका मेन डोर देख सकते हैं। और इसके बाद ये इसका ओपन किचन, और ये छोटा सा इसका सिटिंग एरिया है। यहाँ पे 2 मरला के प्लॉट पे बहुत ही ज़बरदस्त घर को डिज़ाइन किया गया है। और इसके बाद ये इसका सेकंड बेडरूम। अगर आप इस घर को रेंट पे देना चाहते हैं तो इस एरिया में जो है ये 12 से 15 हज़ार पे इजीली रेंट पे जो है ये घर यहाँ पे चढ़ सकता है। अगर आपके पास, आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इतनी अमाउंट में आपको जो है वो रेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे जो है वो आपको 12 से 15 हज़ार ईजीली रेंट जो है वो यहाँ पे इस घर का मिल सकता है। इस लोकेशन में जो है वो घर ईजीली रेंट पे चढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको इसका छत भी दिखा देते हैं। व्यूज़, वाटर टैंक जो है वो इसका अंडरग्राउंड है और पानी की जो मोटर है वो भी यहाँ पे फिक्स्ड है। तो इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं इसका छत। छत का आप डोर भी देख सकते हैं और ये इसका छत भी आप देख सकते हैं। कॉलम पे ये घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो काफ़ी सॉलिड जो है ये नीचे इसकी बेस पे जो है वो कंस्ट्रक्शन की गई है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स पे भी जो है वो काफ़ी जी। तो व्यूज़, इसके साथ ही इस घर का विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चले कि घर 2 मरला पे बना हुआ है, सिंगल स्टोरी घर है और ब्रांड न्यू घर है। इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है वो 50 लाख है जो कि नेगोशिएबल है। आप में से कोई भी अगर इस घर को ऑन विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, गैस की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिटेड कर दी गई है, और पानी का जो बोर है वो आपको यहाँ पे खुद करवाना पड़ेगा, वो इस घर में अवेलेबल नहीं है। व्यूज़, अगर हम इस घर की लोकेशन की बात करें तो इस घर की जो लोकेशन है वो खैबाने सरफराज है जो कि चकलाला स्किनथी के बिल्कुल करीब है। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। व्यूज़, ये आप इस घर की स्ट्रीट भी देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर तो पार्क नहीं कर सकते, लेकिन ये आप स्ट्रीट देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बैरियर लगा दें तो यहाँ पे जो है वो आप 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ भी जो हैं वो इजीली पार कर सकते हैं। और क्योंकि इस स्ट्रीट में सिर्फ 2 घर हैं, ये मेन रोड के बिल्कुल करीब है,
और दो घर हैं, तो इसलिए ये भी अगर गाड़ी पार्क करें और अगर आप भी पार्क करें तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको होने वाला नहीं है। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।